हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अ क्रोमोसोम। ओके, सो वी विल सी ऑल इन डिटेल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे है, देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, वी आर क्लासिफाइंग क्रोमोसोम्स ऑन डिफरेंट बेसिस, देन वी हैव सम स्पेशल क्रोमोसोम, उसके ऊपर कभी कार क्वेश्चन आता है, मे बी पॉलीटिन क्रोमोसोम्स के ऊपर, जॉइंट क्रोमोसोम्स के ऊपर आपको कभी क्वेश्चन आ सकता है। एंड इसमें न्यूक्लियोसोम और सोलेनॉइड मॉडल्स के बारे में कभी कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो देर इज थ्री क्वेश्चन कैन बी आस्क इन योर एग्जाम। एक तो आपका क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, उसके बाद न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल्स और स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, इसके में फिर पॉलीटिन क्रोमोजोम्स, जॉइंट क्रोमोजोम्स, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो देर आर फोर क्वेश्चन कैन बी आस्क इन योर एग्जाम। हमेशा देखिए पिछले क्वेश्चन पेपर में, यही इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया होगा। नाउ, तो क्रोमोसोम मैंने आपको पिछले क्लास में ही क्रोमोसोम्स के बारे में जानकारी दी थी। आई टोल्ड दैट हर ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर के क्रोमोसोम होते हैं। देर इज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ एवरी ऑर्गेनिज्म। हमारी बात करेंगे, इन आवर बॉडी वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। कितना? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, इसका मतलब 46 क्रोमोसोम्स है हमारे टोटल। उसमें से 22 पेयर्स आर ऑटोसोम, मतलब 22 पेयर्स है मतलब 44 क्रोमोसोम्स हमारे ऑटोसोम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब दे आर नॉट टेकिंग पार्टिसिपेट्स फॉर द सेक्स सिलेक्शन या सेक्स डिसीजन में। और लास्ट का जो 23rd पेयर है, दैट इज अल्लोजोम, यानी कि दो क्रोमोजोम हमारे सेक्स क्रोमोजोम्स है। अल्लोजोम्स आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोजोम। सो क्रोमोजोम्स का स्टडी, क्योंकि हमारा जितना भी कैरेक्टर है, दिस कैरेक्टर इज एक्सप्रेसिंग ओनली बिकॉज ऑफ जीन्स। और जीन्स का व्हाट इज अ जीन? इट इज अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट है, मतलब जितना भी डीएनए है वो डीएनए हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गेनेल में अगर पैक होता है, प्रेजेंट होता है, सो दैट इज द क्रोमोसोम। बट क्रोमोसोम कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। क्रोमोसोम अगर कहाँ पे होता है, तो वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सो वी ऑल अवेयर अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हमें पता है। सो नाउ व्हाट इज द क्रोमोसोम? आप क्रोमोसोम किसको बोलोगे? क्रोमोसोम का एक स्पेशल दो लाइन का डेफिनेशन है, और डार्कली स्टेनड बॉडी, क्रोमोसोम इज अ डार्कली स्टेनड बॉडी विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम इज अ डार्कली स्टेनड रॉड शेप्ड बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट है, डार्कली स्टेनड रॉड शेप बॉडीज विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप इन अ सेल। किसमें? सेल में, ड्यूरिंग ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम का जो ये वर्ड है, इसका दो मीनिंग होता है। क्रोमा मीन्स कलर एंड जो मीन्स बॉडी। जो बॉडी कलर, जब भी आप स्टेनिंग करोगे, जब भी आप कलरिंग करोगे, इट विल अब्सॉर्ब द कलर, उसको हम बोलते हैं डार्कली स्टेन द रॉड शेप बॉडी विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप इन अ सेल ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के मेटाफेज, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल डिविजन ही है। आफ्टर क्रोमोजोम वी विल डिस्कस द सेल डिविजन, उसमें आपको फिर ये एक बार रिविजन किया जाएगा, मेटाफेज में ही क्यों। ओके, देन आई विल एक्सप्लेन देयर व्हाई वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज। हम प्रोफेज में क्यों नहीं करते, एनाफेज में क्यों नहीं करते, टेलोफेज में क्यों नहीं करते, इंटरफेज में क्यों नहीं करते, सो वी विल सी इन दैट प्लेस। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब हम उसको अच्छे से देखेंगे। नाउ द टर्म क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम का जो टर्म है, दिस द टर्म क्रोमोसोम जो है वॉज कॉइंड बाय वेल्डियर। ये इसमें दो कंसेप्ट है। क्रोमोसोम का जो टर्म है, ये वेल्डियर नाम के साइंटिस्ट ने क्वाइन किया इन 1888 में। द टर्म क्रोमोसोम वॉज क्वाइन बाय वेल्डियर। बट क्रोमोसोम को अगर सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया, तो वो है स्ट्रैसबर्गर। क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्क्राइब अगर किसने किया, दैट साइंटिस्ट नेम इज स्ट्रैसबर्गर। तो डोंट फॉरगेट दिस नेम। आपको कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि किसने डिस्क्राइब किया एंड किसने क्वाइन किया। सो द क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर किसने डिस्क्राइब किया, तो
वो क्या स्ट्रैसबर्गर ने, और क्रोमोसोम का टर्म अगर किसने दिया, दैट वाज गिवन बाय वेल्डियर। ओके, ये वेल्डियर ने दिया। सो ये साइंटिस्ट के ऊपर आपको कभी क्वेश्चन आया तो आपको पता होना जरूरी है। नाउ अब दो प्रकार के क्रोमोसोम आपके बॉडी में होते हैं, मैंने अभी अभी बताया कि ऑटोसोम एंड ऑटोसोम, ऑटोसोम एंड ऑटोसोम। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे बॉडी में, 22 पेयर्स आर ऑटोसोम एंड 23rd पेयर है, 23वीं जो पेयर है, दैट इज सेक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम, दीज आर ऑटोसोम। ये क्या है? ऑटोसोम्स। तो अब आप अगर देखोगे तो इसमें दो तरह का क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है, सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर एंड गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर मतलब जो आपकी नॉर्मल डिप्लॉइड सेल है, जो नॉर्मल डिप्लॉइड सेल होती है 2n, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है, उस क्रोमोसोम नंबर को हम बोलते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर। द सोमैटिक क्रोमोसोम इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन सोमैटिक सेल, जो वेजिटेटिव मतलब जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, उन सेल में जो क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है, दैट क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सोमैटिक क्रोमोसोम। उसको हम बोलते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम, और उसमें जो नंबर पाया जाएगा, दैट नंबर इज कॉल्ड एज सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर। इन ह्यूमन 2n इज इक्वल टू 46। तो हमारा सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46। पी का कितना है? पी का क्रोमोसोम नंबर आपका है 14। मेज का, सोरगम का 20, व्हीट का 42, कॉटन का 52, सो लाइक दैट। आपका अलग अलग स्पीसीज का क्रोमोसोम नंबर फिक्स है, ठीक है? आई विल शो यू द सम क्रोमोसोम नंबर्स ऑफ फ्यू ऑर्गेनिजम्स। आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर कोई ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर पूछा जाए, यू शुड एबल टू आंसर दैट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। अब दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, सोमैटिक एंड गैमेटिक। डेफिनेटली गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ देन सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर। जो सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर, जो डिप्लॉइड सेल है, उससे हैप्लॉइड सेल का क्रोमोसोम नंबर आधा होगा। तो हमारे जो गैमेट्स बनते हैं इन ह्यूमन या प्लांट, जो गैमेट बनते हैं उसका क्रोमोप्लॉइड लेवल होता है हैप्लॉइड, यानी कि हम उसको इंडिकेट करते हैं बाय एन। डिप्लॉइड इज इंडिकेटेड बाय 2n। तो यहाँ पे हमारा अगर एन बोलेंगे तो ये 23 होगा, क्योंकि 46 इज 2n। सो द गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज अ हाफ ऑफ द सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर एंड रिप्रेजेंटेड बाय एन। उसको हम क्या करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ यस्टरडे आई वाज डिस्कसिंग दैट हर क्रोमोसोम का, एवरी क्रोमोसोम का एक आइडेंटिकल क्रोमोसोम होता है। सपोज वी विल चेंज द कलर। सपोज ये हमारा क्रोमोसोम है, अब ये सिंगल क्रोमोसोम है। हर क्रोमोसोम जैसा और एक, मैं कलर चेंज करता हूं, हर क्रोमोसोम जैसा और एक क्रोमोसोम होता है, ऐसे ही है, लेकिन ये अनादर है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं कलर, अदरवाइज बोथ क्रोमोसोम्स आर सेम। ओके, तो ऐसे सेम क्रोमोसोम मतलब 23 के 23 पेयर में हर क्रोमोसोम का एक आइडेंटिकल क्रोमोसोम होगा, एंड दैट आइडेंटिकल क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। उस आइडेंटिकल क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, द आइडेंटिकल क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम, यही है। तो आपके बॉडी में कौन सा होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर नहीं है? तो इट्स 23rd, 23वां पेयर, 23rd पेयर इज नॉट अ होमोलॉगस क्रोमोसोम, एंड दैट इज नॉट होमोलॉगस क्रोमोसोम इन मेल ओनली। क्योंकि मेल में क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है, तो एक्स क्रोमोसोम का लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, वाई क्रोमोसोम का लेंथ शॉर्ट होता है। सो बोथ आर नॉट मॉर्फोलॉजिकली सेम, ये मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं है, उनमें जीन कंटेंट भी सेम नहीं है, उनमें जीन ऑर्डर भी सेम नहीं है। दैट्स व्हाई दीज आर दीज क्रोमोसोम्स, जो 23वीं पेयर है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की नहीं है। फीमेल में होमोलॉगस क्रोमोसोम है, फीमेल में ऑल 23 क्रोमोसोम्स आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, रिमेंबर दिस। नाउ मैंने आपको ये बोला कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इज अ प्रेजेंट इन अ सेल, और क्रोमोसोम के अंदर, फिर वी विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट स्लाइड्स। नाउ वॉट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू द होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? सो वॉट इज द होमोलॉगस क्रोमोसोम? द टू कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑर्डिनरली आइडेंटिकल इन मॉर्फोलॉजी
पहली तो वो दिखने में मॉर्फोलॉजी में आइडेंटिक है, जीन कंटेंट में आइडेंटिकल है और जीन ऑर्डर में आइडेंटिकल है, तो सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखिए ये दोनों जीन दिखने में मॉर्फोलॉजी सेम है, जीन कंटेंट अगर इधर कैपिटल टी है तो इधर भी कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी होगा, कंपलसरी नहीं है कि अगर कंपलसरी होता तो फिर हर जीन होमोजाइगस होता, हेटरोजाइगोसिटी आती ही नहीं। तो वेरिएशन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इस क्रोमोसोम के ऊपर इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है अलील वही होगा लेकिन अल्टरनेट फॉर्म हो सकता है, मे बी इट इज अ कैपिटल टी, मे बी इट इज अ स्मॉल टी, सो देर इज नो कंपल्शन। बट यहाँ पे अगर कैपिटल टी है तो इस तरफ भी कैपिटल टी ही होगा, हियर ऑल्सो वी विल हैव अ कैपिटल टी। तो जीन कंटेंट सेम है, जीन ऑर्डर भी सेम है, अगर पहले यहाँ तक 100 जीन है तो इस यहाँ पे भी उसी सीक्वेंस में 100 जीन होंगे, कंपल्शन कौन सा नहीं है। इधर अगर स्मॉल ए है तो इधर हो सकता है कैपिटल ए है, इधर अगर कैपिटल बी है तो इधर हो सकता है कैपिटल बी है, इधर अगर स्मॉल सी है तो इधर भी स्मॉल सी, सो दैट इज नॉट अ कंपल्शन। लेकिन अगर इधर ए है तो इधर भी ए ही होगा, सो सीक्वेंस विल बी सेम, जीन ऑर्डर विल बी सेम, नंबर ऑफ जीन्स विल बी सेम, मॉर्फोलॉजी आल्सो विल बी सेम। सच टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। रिमेंबर द डेफिनेशन, द क्रोमोसोम व्हिच इज ऑर्डिनरली आइडेंटिकल इन मॉर्फोलॉजी, जीन कंटेंट एंड जीन ऑर्डर आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो आपके हर ऑर्गेनिज्म में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं। अगर आप पी की बात करोगे, आप अगर पी की बात करोगे, इन पी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 14, इसका मतलब 7 पेयर है, सो एवरी क्रोमोसोम हैव अ होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो 7 पेयर्स बनेगी। मैं आपको कुछ स्पीसीज के क्रोमोसोम नंबर्स बता रहा हूँ, रिमेंबर मिनिमम दिस क्रोमोसोम नंबर्स, आपको कम से कम इनके क्रोमोसोम नंबर्स पता होने चाहिए, डिप्लॉयड एज वेल एज हैप्लॉयड। आप कोई भी एक याद रखो, आप मैं बोलूंगा यू रिमेंबर टू एन, आप डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर याद रखना जरूरी है ऑलवेज, मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन जो आएगा दैट विल बी फॉर डिप्लॉयड, मैक्सिमम टाइम आपको डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर पूछा जाता है, तो डिप्लॉयड इज इक्वल टू 2n, हमने अभी देखा हैप्लॉयड और डिप्लॉयड गैमेटो सोमेटिक सेल गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर और सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर। बार्ले का क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 14 है, तो n इज इक्वल टू 7 होगा, मेज का क्रोमोसोम नंबर 20 है, इवन सोरघम का भी क्रोमोसोम नंबर, आपका ज्वार इसको सोरघम बोलते हैं, उसका भी 20 है, याद रखो दोनों साथ में। देन राइस का क्रोमोसोम नंबर है 24, राई का क्रोमोसोम नंबर है 14, व्हीट का क्रोमोसोम नंबर है 42, तो इधर 21 होगा हैप्लॉयड। पर्लेट बाजरा का क्रोमोसोम नंबर है 14, याद रखिए, बीन्स का क्रोमोसोम नंबर है 22, तो इधर 11 होगा, कैबेज का है 18 डिप्लॉयड का, चिली का है 24, कुकुम्बर का है 14, दतुरा का है आपका जो दतुरा स्ट्रैमोनी में होता है इसका 24, गार्डन पी, पी का मैंने आपको बहुत सारे क्लासेस में बताया, ये याद रखना ही है, 2n इज इक्वल टू 14, गार्डन पी का आपको बॉटनिकल नाम याद रखना है पाइसम सटाइवम, बहुत सारे बच्चे फोर्थ ईयर में गार्डन पी का नाम बॉटनिकल नेम नहीं बता सकते, सो कोई यूज नहीं है, सो यू शुड एबल टू रिमेम्बर। नाउ मस्टर्ड जो ब्रासिका कॉम्पेस्टिस है, इसका क्रोमोसोम नंबर 20, इधर 2 है, ओनियन का 16 8, पेपर का 128, इधर 64, पोटैटो 48 24, टोबैको सेम 48 24, टोमैटो 24 12, कॉटन मैंने बोला था 52 26, जो आपकी फ्रूट फ्लाई है मैंने आपको कल बताया था, फ्रूट फ्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ जेनेटिक्स, फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, इसका क्रोमोसोम नंबर 8 है, तो इधर हैप्लॉयड 4 होगा, याद रखे इसको, इसको मत, इसको आपको याद रखना है, रिमेंबर द क्रोमोसोम नंबर ऑफ दिस, रिमेंबर द क्रोमोसोम नंबर ऑफ गार्डन पी, ये पता होना चाहिए। व्हीट का याद रखो बहुत बार आता है, कॉर्न का, मेज का याद रखो, बाजरा का याद रखो, बार्ले का याद रखो, सो मेनी टाइम्स दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, ह्यूमन को पता ही है 46, पीगन का है आपका 80, काऊ का गाय का है 60, तो ये कुछ क्रोमोसोम नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे, मे बी दे कैन आस्क इन योर कमिंग एग्जाम्स, तो आप रेडी रहिए। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, सो आपका जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, आपने मैंने जो डायग्राम निकाला था इस तरह का था, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, विल गो टू द दैट्स एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, ये आपको इस तरह का डायग्राम निकालना है, ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है ये होता है ये गैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये होता है एंड का पोर्शन टिलोमियर, इधर भी टिलोमियर है,
देन ये आपका क्रोमेटिड है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्रोमेटिड. तो हर क्रोमोसोम को दो क्रोमेटिड होते हैं. दिस इज अ वन एंड दिस इज अ टू. ठीक है, हर क्रोमोसोम को क्या होता है? एवरी क्रोमोसोम हैविंग टू क्रोमेटिड्स. आपको अगर यहां पे देखोगे, ओके, ये जो है दिस इज अ क्रोमेटिड. दिस इज अ क्रोमेटिड. ठीक है, ये जो गैप लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ सेंट्रोमियर. आपको यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ सेंट्रोमियर. मैं आपको अभी बस पार्ट की नाम बता रहा हूँ, एवरी पार्ट विल बी एक्सप्लेन हियर. ये जो एंड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं टिलोपियर, टिलोमियर. ओके, जो यहाँ पे लिक्विड पोर्शन होगा क्रोमोजोम में उसको बोलते हैं मैट्रिक्स. देन कभी 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 और एक एकार्ध गैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था. यू कैन सी सम टाइम देयर इज अनदर गैप लाइक स्ट्रक्चर. पहला वाला ये है, ये दूसरा वाला है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हम किसको बोलेंगे? सेंट्रोमियर को. सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्योंकि वहां पे ये सबसे पहला गैप लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, हमने देखो क्या क्या पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. हम डिस्कस कर रहे हैं क्रोमेटिड, हम डिस्कस कर रहे हैं टिलोमियर. ओके, अब ठीक है, इधर ही जाते हैं. अब ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और टिलोमियर के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट. इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट. इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट. ठीक है, ये याद रखिए, ये आएगा धीरे धीरे, मैं एक एक पार्ट्स को पढ़ाऊंगा इसमें. ठीक है, इसमें क्रोमोनेमा होता है और क्रोमोनेमा के ऊपर क्रोमोमियर्स होते हैं. ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, डॉट डॉट लाइक एक जो क्रोमेटिन फाइबर है. ओके, जो 300 एंगस्ट्रॉम यूनिट का जो क्रोमेटिन फाइबर है उसको हम क्या बोलते हैं? उस क्रोमेटिन फाइबर को हम बोलते हैं क्रोमोनेमा. और क्रोमोनेमा के ऊपर अगर ये बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वी विल सी वन बाय वन, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोमियर्स. उसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर. सो दिस इज अबाउट द वन बाय वन, हम एक एक स्ट्रक्चर को हम देखेंगे. ओके, वी विल सी वन बाय वन. नाउ सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर इज अ फर्स्ट गैप लाइक स्ट्रक्चर. ये क्या है? पहला गैप लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको कहां पे दिखता है? क्रोमोसोम के ऊपर दिखता है. सो दिस इज अ फर्स्ट गैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं. सेंट्रोमियर इज द लैंडमार्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम. सेंट्रोमियर हमारा क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बड़ा लैंडमार्क है. इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ अ क्रोमोसोम टू आइडेंटिफाई द क्रोमोसोम. ठीक है, ईच क्रोमोसोम हैज अ कंस्ट्रक्शन पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमियर. इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, यानी कि गैप लाइक स्ट्रक्चर विच डिवाइड्स क्रोमोसोम इनटू टू सेक्शन आर्म, जिसके कारण आपका जो क्रोमेटिड है, ये पूरा क्रोमेटिड है, इस ये क्रोमेटिड दो आर्म में डिवाइड हो रहा है, आर्म वन और आपका आर्म टू. तो ये दो आर्म में डिवाइड होता है, मतलब हर क्रोमेटिड को कितने आर्म होते हैं? टू. हर क्रोमोसोम को कितने क्रोमेटिड्स होते हैं? दो. और ये जो क्रोमेटिड्स है, बोथ क्रोमेटिड्स अटैच्ड विद ईच अदर एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. यानी कि दूसरा क्रोमेटिड भी इसी के पॉइंट में अटैच होता है. ओके, इसी के पॉइंट में क्या होता है? अटैच होता है. अगर आप यहां पे देखोगे, दिस इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू क्रोमेटिड्स. ये दो क्रोमेटिड्स का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. समझ में आ रहा है? नाउ अब मैंने बोला कि सेंट्रोमियर के कारण क्रोमोसोम के दो आर्म तैयार हो रहे. ओके, बिकॉज ऑफ दिस. नाउ जो लॉन्ग आर्म होता है, जो लॉन्ग आर्म होता है, द लॉन्ग आर्म इज इंडिकेटेड बाय क्यू. क्रोमोसोम का अगर लॉन्ग आर्म होगा, सो इट का इसका मतलब है इस आर्म को हम क्यू इंडी लिखेंगे, और शॉर्ट आर्म अगर होगा तो उसको हम पी इंडिकेट लिखेंगे. पी इज अ क्यू, लॉन्ग इज अ सॉरी शॉर्ट इज अ पी, लॉन्ग इज अ क्यू. पी क्यू, पी पहले आता है तो शॉर्ट है, क्यू बाद में आता है तो लॉन्ग है. याद रखना, रिमेंबर दिस. जब भी आपको क्रोमेटिड के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा, ओके, या आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने में आएगा, हो सकता है किसी को मिड टर्म में आने वाला हो, किसी को मिड टर्म में आ जाएगा, सो यू शुड एबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्लियरली. नाउ अब क्रोमोसोम को हम और एक नाम देते हैं, दैट इज अ काइनेटोचोर. काइनेटोकोर बोलते हैं, कोई काइनेटोकोर बोलते चोर बोलते हैं, व्हाटएवर. KINETOCHORE. अब इसका तीसरा नाम है, मतलब देखिए
सेंट्रोमियर को हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोला एंड सेंट्रोमियर को हम थर्ड नाम दे रहे हैं काइनेटिक कोर। सो सेंट्रोमियर को कभी कभी क्वेश्चन आता है, सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन आपको आ जाएंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, क्रोमेटिड, वट एवर, आर्म, और तीसरा होगा आपको काइनेटिक कोर या फिर आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो आपको भूलना नहीं है, सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइनेटिक कोर। अब वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ काइनेटोकोर, सो बिकॉज ड्यूरिंग सेल डिविजन जब भी स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, दैट स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर, जब स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं सेल डिविजन के टाइम पे, फ्रॉम बोथ द एंड स्पिंडल फाइबर अटैच इन अ माइटोसिस। और क्या होता है, जब भी क्रोमेटिड मूव होगा तो सबसे पहला क्रोमेटिड का मूवमेंट कौन करता है, क्रोमेटिड का सेंट्रोमियर करता है, और इसीलिए उसको हम बोलते हैं काइनेटिक कोर। ये इसलिए नाम दिया गया है बिकॉज जब सेल डिवीजन के समय में जब क्रोमोसोम डिवाइड होता है, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, तब सबसे पहला मूव करने वाला अगर कौन सा ऑर्गेनेल है तो दैट इज अ सेंट्रोमियर, इसलिए उसका नाम ये रखा है। सो रिमेंबर दिस। नाउ सेकंड ऑर्गेनेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनेल ऑफ द क्रोमोसोम इज अ क्रोमेटिड। हमने देखा था कि यूरी क्रोमोसोम्स हैविंग टू क्रोमेटिड्स एंड बोथ क्रोमेटिड्स अटैच टू ईच अदर एट अ सेंट्रोमियर। ओके, तो ईच क्रोमोसोम्स अपीयर्स टू बी लॉन्जिट्यूडनली डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल पार्ट, या इक्वल हाफ बोलोगे, व्हेन ईच क्रोमोसोम लॉन्जिट्यूडनली डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ। अगर आपका ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको लॉन्जिट्यूडनली इक्वल हाफ में डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ये दोनों क्रोमेटिड आपके अलग अलग दिखेंगे और दे आर आइडेंटिकल। ओके, इसमें कोई भी फर्क नहीं है बिकॉज वो ए जो क्रोमेटिड होगा, मतलब इससे दूसरा क्रोमेटिड बनता है ड्यूरिंग यस फेज माइटोसिस में, मैं और पढ़ाऊंगा आपको तब और क्लियर हो जाएगा। सो बोथ ऑफ द क्रोमेटिड्स अपीयर टू जॉइन टुगेदर एट अ पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। मैंने पहले ही बताया था कि बोथ क्रोमेटिड्स अटैच टू ईच अदर एट अ पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब आपको पता है क्रोमोजोम का होमोलॉगस क्रोमोजोम होता है, तो एवरी होमोलॉगस क्रोमोसोम हैविंग फोर क्रोमेटिड्स, क्योंकि एक क्रोमेटिड को दो, सॉरी एक क्रोमोसोम को दो क्रोमेटिड्स होते हैं, तो दोनों क्रोमोसोम्स को मिला के चार क्रोमेटिड हो जाएंगे। नाउ क्रोमेटिड ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमेटिड ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम यानी कि इसी एक ही का, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड। सिंस टू क्रोमेटिड्स मेकिंग अप क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू रेप्लिकेशन, मैंने बोला रेप्लिकेशन से बनता है, पहले शुरू में इंटरफेज के जीवन में खाली सिंगल क्रोमेटिड होता है। ओके, खाली सिंगल क्रोमेटिड होता है तो यस फेज में क्या होगा, यस फेज में इसका दूसरा क्रोमेटिड बिकॉज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बन जाएगा। सो अब आपके दो क्रोमेटिड्स हैं और इन दो क्रोमेटिड्स को हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग एज अ सिस्टर क्रोमेटिड्स। दीज टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड एज अ सिस्टर क्रोमेटिड्स। नाउ अब क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसके जैसा ही और एक आइडेंटिकल क्रोमोसोम होता है, ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया था कि इसके जैसा ही और एक क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। ओके, आपने यहाँ पे देखा होगा। ओके, नाउ दीज क्रोमेटिड्स इज कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन क्रोमेटिड्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। ओके, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसका आइडेंटिकल होमोलॉगस क्रोमोसोम ये है, तो इनके कोई भी क्रोमेटिड को, इसको और इसको बोलो, इसको और इसको बोलो, इसको और इसको, वट एवर, इज कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और इन दोनों को इसको बोलेंगे सिस्टर, इन दोनों को मीन्स क्रोमेटिड्स ऑफ अ सेम क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सिस्टर, क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज नॉन सिस्टर। नाउ व्हाट इज अ क्रोमेटिड ऑफ अ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स ऑफ अ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम को हम कुछ भी नहीं बोलते, खाली हम दो ही क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कभी भी नॉन होमोलॉगस के साथ में हम इनका रिलेशन जोड़ने की कोशिश नहीं करते। ओके, सो रिमेंबर दिस, कभी अगर क्वेश्चन आया तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। सो दिस इज अबाउट द क्रोमेटिड्स, ये आपको क्रोमेटिड्स मैंने बोला, हर क्रोमेटिड्स को दो आर्म होते हैं, अगर शॉर्ट आर्म है तो उसको हम पी बोलेंगे, लॉन्ग है तो हम क्यू बोलेंगे। सो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस अबाउट द सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइनेटिक कोर। क्रोमेटिड्स के बारे में हमने देखा कैसे होते हैं, क्या होता है उसका स्ट्रक्चर। नाउ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज अनदर गैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन क्रोमोसोम। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को छोड़ के, यानी कि पहले गैप को छोड़ के,
और कुछ गैप लाइक स्ट्रक्चर आपको वहां पे मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। नाउ अनदर वन इज, पहले हम इसको देखते हैं इसमें कुछ अलग से है क्या। इन सम क्रोमोसोम इन एडिशन टू सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, वन मोर कंस्ट्रक्शन इन द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, टर्म एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। नाउ सैटेलाइट, मैंने आपको बोला था दो जो रीजन, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम निकालू, ये आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये आपका, ठीक है थोड़ा सा अच्छे से निकालते हैं, ये आपका, फिर एक और गैप लाइक स्ट्रक्चर है, ओके तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये आपका टेलोमियर है। तो जो रीजन प्रेजेंट, द रीजन प्रेजेंट बिटवीन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सैटेलाइट, ओके द क्रोमोसोमल रीजन बिटवीन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड नियरेस्ट टू टेलोमियर, सॉरी टेलोमियर, सॉरी सैटेलाइट नहीं, टेलोमियर इज कॉल्ड एज सैटेलाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, और उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। ओके याद रखो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा मे बी, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था। जिस जो रीजन होता है किसके बीच का, टिलोमियर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बीच का, अब वो कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर जितना है, अगर है हमारे बॉडी में पांच ऐसे पेयर है जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, तो हर पेयर में जितना भी होगा वो कॉन्स्टेंट है, मेरे में भी उतना ही है, आपके में भी उतना ही है, सो दैट इज अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब उसके अंदर वाला जो रीजन होगा उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट, और जिस क्रोमोसोम के सैटेलाइट होगा उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम या फिर सैट क्रोमोसोम, रिमेंबर दिस, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम या फिर सैट क्रोमोसोम। एंड दिस सैटेलाइट द स्मॉल स्मॉल क्रोमोसोमल सेगमेंट सेपरेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द क्रोमोसोम बाय अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। हमने देखा एक छोटी सी बॉडी अलग हो रही है क्रोमोसोम से बिकॉज ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। जिस क्रोमोसोम के ऊपर ये सैटेलाइट होता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम या फिर सैट क्रोमोसोम, आप एक तो सैट क्रोमोसोम बोल सकते हो या फिर आप उसको सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोल सकते हो। ओके गुड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टिलोमियर, अभी आपने देखा कि हर क्रोमेटिड के दो एंड होते हैं, एवरी क्रोमेटिड्स हैविंग टू एंड, हर क्रोमेटिड्स के कितने एंड है, दो एंड है, तो मैं यहाँ पे आपको टिलोमियर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है येलो कलर लेते हैं, ये आपका एक सिंगल क्रोमेटिड है, तो इसका जो एंड पोर्शन है इधर वाला और इधर वाला, द बोथ एंड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये कैप कैप है, ये आपकी कैप है, तो ये है आपका द टू एंड ऑफ क्रोमोसोम आर नोन एज टिलोमियर, दे प्ले क्रिटिकल रोल इन क्रोमोसोम रेप्लिकेशन एंड मेंटेन ऑफ क्रोमोसोम लेंथ। देखिए आप कोई भी गाड़ी देखोगे तो गाड़ी के सामने बम्पर होता है, वहां पे आपने देखा होगा उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, बैक साइड में भी कैसे प्रोटेक्ट करते हैं लोहे का या स्टील का रॉड लगा के, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी को डैमेज नहीं होना चाहिए, ऐसे ही ये हमारा प्रोटेक्शन करने वाला, क्रोमोजोम को डैमेज ना होने देने का काम कौन करता है, क्योंकि एंड पोर्शन है, वो अगर ब्रेक हो गया तो क्या हो सकता है, क्रोमोजोम के अंदर का जितना भी मटेरियल है उसको डैमेज आ सकता है, एरर आ सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, सो वॉट एवर, ठीक है। सो द टिलोमियर आर हाईली स्टेबल, ये हाईली स्टेबल है, टिलोमियर्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम डू नॉट फ्यूज, और अलग अलग क्रोमोसोम के टिलोमियर एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होते, ओके तो हर क्रोमेटिड को दो टिलोमियर होते हैं, यानी कि हर क्रोमोसोम को चार टिलोमियर होते हैं, और हर होमोलॉगस क्रोमोसोम को आठ टिलोमियर होंगे, रिमेंबर दिस, ओके रिमेंबर दिस, एवरी क्रोमोसोम हैविंग फोर टिलोमियर, तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल हैविंग एट टिलोमियर, क्योंकि हर क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड, हर क्रोमेटिड को दो टिलोमियर, एक क्रोमोसोम को चार टिलोमियर, दो क्रोमोसोम जो पेयर में होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम उनके आठ टिलोमियर्स, तो अगर हमारी बात करोगे हमारे बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सो 46 इंटू 4 उतने आपके क्या बन जाते हैं, उतने नंबर के टिलोमियर बन जाते हैं, अगर आप 23 बोलोगे 23 बाय 8, 23 में उल्टे बाय 8, तो उतने टिलोमियर्स आपके बन जाएंगे, सो दिस इज द अबाउट द टीलोमियर। नाउ क्रोमोनेमा, अब मैंने आपको बोला था कि क्रोमोजोम में एक क्वाइल लाइक थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर का स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन से वो पैक होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोनेमा। तो क्रोमोनेमा इज द क्वाइल्ड सेंट्रल थ्रेड ऑफ अ क्रोमेटिड अलॉन्ग विच क्रोमोमियर्स लाइक, जिसके ऊपर क्रोमोमियर्स दिखते हैं, मैंने आपको दिखाया था, ओके आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस स्ट्रक्चर में, सो दिस इज व्हाट
ये है आपका क्रोमोमियर, और क्रोमोमियर के ऊपर ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोनेमा, या उसको हम आप क्रोमोनेमाटा भी बोल सकते हो। ये आपका क्या है, क्रोमोनेमाटा, या आपको क्रोमोनेमा बोलते हैं। सो बीड लाइक स्ट्रक्चर, ओके वी विल गो बैक। ओके नाउ व्हाट इज अ क्रोमोमियर, सॉरी दिस इज अ क्रोमोमियर एंड व्हाट इज अ क्रोमोनेमा, अ बीड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे ये जो है आपका क्रोमोमियर है और ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोमियर्स। ओके इसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके नाउ सी, क्रोमोनेमा मतलब ये आपका क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इस, ओके क्रोमेटिन फाइबर्स का, और क्रोमोनेमा के ऊपर अगर बीड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे राउंड राउंड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके अगर राउंड 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 शेप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स। क्रोमोनेमा के ऊपर क्या होता है, क्रोमोमियर्स होता है। सो रिमेम्बर दिस, क्रोमोमियर्स आर प्रेजेंट बीड लाइक बॉडीज, ओके ओवर द क्रोमोनेमा, क्रोमोनेमा के ऊपर, एंड द रीजन इन बिटवीन द, ये जो क्या बोलते हैं, दो क्रोमोनेमा के बीच का, क्रोमोमियर्स के बीच का जो रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरक्रोमोमियर्स, इसको हम बोलते हैं इंटरक्रोमोमियर्स। ठीक है, जो क्रोमोनेमा ही होता है। ओके नाउ अब मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, कभी कभी आपको पूछ सकते हैं। द मास ऑफ और मटेरियल इन विच क्रोमोनेमा इज एम्बेडेड, जो लिक्विड पोर्शन है जिसमें आपके क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है, एम्बेडेड है, क्रोमोनेमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको लिक्विड पोर्शन को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके द लिक्विड पोर्शन इज प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। तो आपको बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से, दिस इज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, ये आपके क्या है, क्रोमोनेमा है और उसके ऊपर बीड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज अ क्रोमोमियर्स। क्रोमोनेमा के ऊपर ये देखिए, ये आपका क्रोमोनेमा है और ये बीड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोमियर। इसमें जो लिक्विड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ये आपका क्रोमेटिड्स है, दिस इज योर क्रोमेटिड, ये आपका टिलोमियर पोर्शन है, ये आपका क्या है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये आपका सैटेलाइट है। अब आपको एक बात बताना भूल गया, जो आपका न्यूक्लियोलस बनता है ना, व्हाट इज न्यूक्लियस, जो डार्कली राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, फिर से उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस किसका बनता है, न्यूक्लियोलस बनता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स का, जिसको हम एनओआर बोलते हैं, यानी कि जितने भी सैटेलाइट्स का पोर्शन है उससे क्या बनता है, ये बहुत जितने भी क्रोमोसोम्स के सेट क्रोमोसोम्स से वो एक साथ आके उससे न्यूक्लियोलस बनता है। ओके और न्यूक्लियोलस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आरआरएनए प्रोडक्शन के लिए, राइबोसोमल आरएनए प्रोडक्शन के लिए, मतलब वहां से राइबोसोमल आरएनए बनता है। सो ये रिमेम्बर, ये चीजें आपको याद रखना जरूरी है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नाउ आपको मैंने बोला कि दिस इज अ क्रोमोसोम, ये आपका क्रोमोसोम है, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। ओके व्हाट इज अ क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, टिलोमियर, क्रोमोनेमा, उसके अंदर बीड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोमियर, ओके सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट, मैट्रिक्स, ओके ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नाउ न्यूक्लियोलस कैसे बनता है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जो सैटेलाइट का रीजन होता है उससे क्या बनता है, न्यूक्लियोलस बनता है। न्यूक्लियस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आरआरएनए प्रोडक्शन के लिए, राइबोसोमल आरएनए प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। सो एवरीथिंग यू शुड रिमेम्बर इट। नाउ आपका जो क्रोमोसोम है इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, जो आपने क्रोमोनेमा था दैट इज नथिंग बट क्रोमेटिन, ये जो आपका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का विद हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन पैकिंग होके, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। तो क्रोमेटिन आर ऑफ टू टाइप्स, क्योंकि देखिए क्रोमेटिन डीएनए का ही बना है तो डेफिनेटली उसमें जीन्स होंगे। तो अब दो प्रकार के क्रोमेटिन हम बोलते हैं, जो आपका पहला टाइप है वो है हेटरोक्रोमेटिन और दूसरा टाइप है आपका यूक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन आर ऑफ टू टाइप्स, क्रोमेटिन के दो प्रकार होते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेटरोक्रोमेटिन। नाउ अब हेटरोक्रोमेटिन किसको बोलेंगे, ड्यूरिंग इंटरफेज जो भी डायरेक्टली स्टेन बॉडीज होगी उसको हम बोलेंगे हेटरोक्रोमेटिन। अब जो भी लाइटली स्टेन लेगा इंटरफेज में इसको हम बोलेंगे यूक्रोमेटिन। जब भी आप क्रोमोसोम को स्टेनिंग करते हो तो इंटरफेज में जो डार्क स्टेन होगा
उसको हम बोलेंगे हेटरोक्रोमैटिन, जो लाइट स्टेन होगा उसको हम बोलेंगे यूक्रोमैटिन। नाउ एग्जैक्टली हेटरोक्रोमैटिन होता कहां पे है? सो हेटरोक्रोमैटिन्स जो है ये आपका टिलोमेर का पोर्शन और आपका सेंट्रोमेर और नियर सेंट्रोमेर का पोर्शन इज अ हेटरोक्रोमैटिन। अब हेटरोक्रोमैटिन होता क्या है? इट इज अ रिपीटेड सीक्वेंस होता है एक स्पेसिफिक का, ओके okay? मतलब वो इनएक्टिव जीन्स होते हैं उसमें, विच नॉट कोड फॉर जीन, ओके ये आप याद रखिए। नाउ रिप्रेजेंट डार्कली स्टेन रीजन, रिप्रेजेंट लाइटली, कंटेन फ्यू इनएक्टिव जीन, एक तो जीन होते नहीं, अगर होते भी है तो इनएक्टिव होते, कंटेन्स लॉट ऑफ फंक्शनल जीन, इसमें बहुत सारे फंक्शनल एक्टिव जीन होते हैं, कवर स्मॉल रीजन ऑफ क्रोमोसोम, ये छोटा सा रीजन कवर करता है, कवर लार्ज रीजन ऑफ क्रोमोसोम, यूजुअली फाउंड नियर टू सेंट्रोमेर एंड टेलोमेर, यूजुअली फाउंड मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, आप टेलोमेर और सेंट्रोमेर को छोड़ के जो बाकी पोर्शन होगा दैट इज यूर व्हाट यूक्रोमैटिन। तो ये आपको यूक्रोमैटिन और हेटरोक्रोमैटिन का डिफरेंस भी अगर आ गया तो पता बताने आना चाहिए, या आपको शॉर्ट नोट अगर आता है यू शुड एबल टू आंसर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑन डिफरेंट बेसिस, मैंने आपको बोला था अलग अलग बेसिस पे हम क्रोमोसोम को क्लासिफाई करते हैं। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, पहला बेसिस, चार पांच टाइप बेसिस में आपको बताऊंगा। अगर आपको एग्जाम में 8 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको सभी बेसिस कम से कम 3-4 बेसिस तो आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, क्लासिफाई द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। मैंने बोला था आपको कि सेंट्रोमियर का पोजिशन इज लैंडमार्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि आपके जितने भी 23 पेयर है या आपके कोई भी क्रॉप लो, हर क्रोमोसोम का मतलब हर पेयर का पोजिशन फिक्स है, ओके मतलब समझ लो मैं यहाँ पे आपको, ठीक है कलर चेंज करते हैं, ओके समझ लो यहाँ पे एक क्रोमोसोम नंबर 1 है, दूसरा क्रोमोसोम का इस तरह का पोजिशन है, मतलब आप समझ सकते हो पोजिशन आप ये इधर हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह से मतलब पोजीशन के बेसिस पे आर्म के लेंथ के बेसिस पे आप सेंट्रोमियर को देख के क्या बता सकते हो, यू कैन टेल द एक कौन से नंबर का क्रोमोसोम है, तो बिकॉज ऑफ दैट। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन अलग अलग तरह की होती है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर आर ऑफ टू टाइप्स, अगर इफ अवर सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली इन अ मिडल पोजिशन, अगर हमारा क्रोमोसोम एग्जैक्टली सेंटर पोजीशन में है, यानी कि दोनों आर्म सेम लेंथ के हैं, बोथ आर्म्स आर सेम, ऐसे कौन क्रोमोसोम को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अ क्रोमोसोम इन व्हिच सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड इन द मिडल पोर्शन, सेंट्रोमेयर मिडल में है, दोनों आर्म आइडेंटिकल होंगे, और इसको हम इंडिकेट करते हैं बाय कैपिटल वी। देखो आप कैपिटल वी जब भी लिखते हो दोनों ये सेंट्रोमेयर है समझ लो, तो दोनों की लंबाई एक जैसी होती है। अनदर टाइप ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर इज सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में हमने देखा कि एग्जैक्टली सेंटर पे था, दोनों आर्म का लेंथ इक्वल था, यहाँ पे मेटासेंट्रिक में इट्स नियर टू सेंट्रोमेयर, सॉरी इट्स नियर टू सेंटर बट लिटिल बिट अवे फ्रॉम द सेंटर। अ क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज लोकेटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, थोड़ा सा सेंटर पॉइंट से अवे है, इसको हम मेटासेंट्रिक नहीं बोल सकते, तो आप उसको सब मेटासेंट्रिक बोलोगे, है मिडल के पास में, नियर टू मिडल बट इट्स नॉट एट ए सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट पे नहीं है, इट लिटिल बिट अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, मिडल पोजिशन के थोड़ा सा वो अवे है, सो दैट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। वैसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? Such chromosomes are called as metacentric chromosome. Okay? Such chromosomes, in ऐसे chromosomes को यहाँ पे गलत लिखा है, ये wrong है, हम जो letter indicate करते हैं, that is the L, capital L. आप capital L जब भी लिखोगे, एक इसका लंबाई कम होता है और एक का ज्यादा होता है, तो ये आपका centromere अगर समझ लेंगे, so आपको कभी कभी आता है question, तो ये capital L से आप indicate करते हो। Third type is acrocentric chromosome. अब एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कौन सा होता है? जिस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर नियर टू टेलोमियर होता है, अवे फ्रॉम द टेलोमियर बट नियर टू टेलोमियर, और ये सेंटर से तो बहुत अवे होता है, ऐसी पोजीशन हम निकाल लेंगे, ये टेलोमियर है और ये आर्म बहुत लंबा है, तो आप देखिए सेंटर इधर है, तो ये बहुत अवे है, सब मेटासेंट्रिक इधर ही पास आसपास होता, ये टेलोमियर के पास चला गया,
Okay, a chromosome in which centromere is located very near to one end, कोई भी एक end है, दो दो के पास कैसे नहीं जा सकता है ना, कोई भी एक टेलोमेयर के पास होता है, so such chromosomes are called as acrocentric chromosome. ऐसे chromosomes को हम acrocentric chromosome बोलते हैं, and इसका जो indication है is indication by capital J. आप जब भी capital J लिखते हो, आपको पता है ये आम आपका बहुत छोटा होता है, so it's near to telomere, so that is indicated by capital J. ये आपको याद रखना है, यहाँ पे गलत हो चुका है, ये here capital L. Hope sub metacentric. Acrocentric indicated by capital J. आपको बता दिया मैंने, acrocentric में क्या होता है, सेंट्रोमियर पोजिशन इज नियर टू टिलोमियर, नॉट एग्जैक्ट एट अ टिलोमियर, टिलोमियर के पास मतलब टिलोमियर पे नहीं है, टिलोमियर के क्लोज है. नाउ फोर्थ टाइप यहां पे दिया नहीं है, इज अ टीलोसेंट्रिक, मैं लिख रहा हूं. सो टीलोसेंट्रिक इज द फोर्थ टाइप ऑफ द क्रोमोजोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, रेयर होता है जनरली ये. तो टीलोसेंट्रिक आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज एट द टीलोमियर, एक कौन से भी टीलोमियर के ऊपर होगा, अगर ये इधर टीलोमियर का पोर्शन है तो यहाँ पे अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. अब ये दिखने में कैसे दिखेंगे, आई इसका लुक अगर कौन से लेटर से आप दिखाओगे तो दैट इज अ स्मॉल आई. आपने कैपिटलियम सब मेटासेंट्रिक, कैपिटलियल सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक जे एंड आई इज बाय टीलोसेंट्रिक. तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, बहुत बार पूछा गया है, रिमेंबर इट. नाउ अब और एक क्लासिफिकेशन है उसी में, ये टीलोसेंट्रिक नीचे दिया था, सॉरी मेरे को लगा कि दिया नहीं है, दिया है पर इन्होंने लाइन लगाया मेरे को लगा. दूसरा होता है होलोकाइनेटिक क्रोमोसोम, अगर आपका सेंट्रोमियर का पोजीशन फिक्स नहीं है, पांचवा वो टाइप आता है, दैट इज होलोकाइनेटिक क्रोमोसोम. इफ योर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रोमोसोम, आपके क्रोमोसोम के अंदर एवरीवेयर इट इज, कभी भी कहीं भी हो सकता है, सो दैट इज कॉल्ड एज होलोकाइनेटिक क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलते हैं, होलोकाइनेटिक क्रोमोसोम. सो दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर. पहला था मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड होलोकाइनेटिक क्रोमोसोम. सो यू नीड टू राइट दीज फाइव टाइप्स. ये आपको दिख रहा है, ओके ये आपको इन टीलोसेंट्रिक, ये आपको दिख रहा है एक्रोसेंट्रिक, ये आपको दिख रहा है सब मेटासेंट्रिक, और एग्जैक्टली मिडल में है, दिस इज अ व्हाट आपका मेटासेंट्रिक. अब आप देखो ये पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर इज चेंज, तो आपको आपको हर क्रोमोसोम का पोजिशन अगर पता है तो सेंट्रोमियर इज अ लैंडमार्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम. ओके नाउ दूसरा बेसिस है नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स, ये एक दूसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है. जनरली क्रोमोसोम को सिंगल सेंट्रोमियर होता है, लेकिन सपोज अगर क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर ही नहीं है तो उसको हम बोलेंगे असेंट्रिक क्रोमोसोम. क्रोमोसोम विदाउट सेंट्रोमियर, सच क्रोमोसोम्स रिमेन एज अ लैग्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ऐसे क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाएंगे. अगर कोई क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर नहीं होगी तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन वो कैसे स्पिंडल फाइबर के साथ चला जाएगा, तो दिस क्रोमोसोम्स विल बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द पॉपुलेशन. मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम यानी कि एक ही सेंट्रोमियर होता है, डायसेंट्रिक जहां पे दो सेंट्रोमियर होते हैं, तो दिस इज अबाउट द व्हाट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर. पॉलीसेंट्रिक बहुत सारे, तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आ गए तो आपको आंसर देने आना चाहिए. नाउ थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेप एट एनाफेज, तो आपको मैंने अभी बताया वी शेप, एल शेप, ओके देन रॉड शेप आपका टीलोसेंट्रिक दिखेगा, जे शेप, तो इस तरह से शेप हमने अभी डिस्कस किए हैं. नाउ स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस, ये फोर्थ मतलब थर्ड ही हम देखेंगे. शेप को आपने ऑलरेडी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर पे एक्सप्लेन किया था. ये है आपका थर्ड टाइप, समझ लीजिए स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस. तो दो प्रकार के होते हैं, लीनियर क्रोमोसोम और आपका होता है सर्कुलर क्रोमोसोम. जनरली यूकैरियोटिक्स में सभी क्रोमोसोम क्या है, इस तरह के रॉड शेप है, लीनियर है, लेकिन इन प्रोकैरियोटिक्स सर्कुलर क्रोमोसोम्स होता है. कैसा सर्कुलर होता है, ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक्स इट इज अ सर्कुलर, याद रखिए इन प्रोकैरियोटिक्स इट इज अ सर्कुलर सर्कुलर क्रोमोसोम. क्रोमोसोम विद सर्कुलर शेप एंड स्ट्रक्चर दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया वायरसेस में आपको दिखेंगे जो प्रोकैरियोटिक्स है. लीनियर क्रोमोसोम विद अ लीनियर स्ट्रक्चर हैविंग बोथ द एंड फ्री, दोनों एंड फ्री होंगे, सर्कुलर का फ्री एंड होने का सवाल नहीं है. Such chromosomes are found in all eukaryotes.
यूकेरियोटिक्स में पाए जाते हैं। अब एसेंशियलिटी के बेसिस पे हम अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसका दो एसेंशियल, ए क्रोमोजोम इसको हम बोलते हैं एसेंशियल क्रोमोजोम, और बी क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज एसेसरी क्रोमोजोम, नॉन एसेंशियल क्रोमोजोम, सुपर न्यूमेरी क्रोमोजोम, बहुत सारे नाम है इसके। नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ स्पीसीज व्हिच आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एसेंशियल रिक्वायर्ड है। इफ इवन सिंगल क्रोमोजोम वी लॉस्ट और इफ सिंगल क्रोमोजोम इज एक्स्ट्रा, हाउ मच कॉज वी कैन फेस, हाउ मच जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हाउ मच जेनेटिक प्रॉब्लम्स दैट प्रोजेनी कैन फेस, दैट वी विल सी इन क्रोमोजोमल एबरेशन। बी क्रोमोजोम इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, उसको आप सुपर न्यूमरी क्रोमोजोम बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम बोल सकते हैं, एसेसरी क्रोमोजोम बोल सकते हैं, ओके, जो आपके नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल नहीं है, नॉट इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एक्स्ट्रा है। क्रोमोजोम विच आर फाउंड इन एडिशन टू द नॉर्मल क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज स्पेशल क्रोमोजोम, ओके। तो हम स्पेशल क्रोमोजोम्स के बारे में देखेंगे, आगे हमारा एक टॉपिक है। रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बोला था कि अल्लोजोम एंड ऑटोजोम, इसलिए भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। जो क्रोमोजोम सेक्स डिसाइड करने में पार्टिसिपेट करता है दैट इज कॉल्ड एज अल्लोजोम, द क्रोमोजोम विच इज नॉट टेक्स पार्टिसिपेशन इन अ डिसीजन ऑफ द सेक्स इज कॉल्ड एज ऑटोजोम, इसको हम बोलते हैं ऑटोजोम। क्रोमोजोम्स विच डू नॉट डिफर द मॉर्फोलॉजी एंड नंबर इन अ मेल एंड फीमेल में, उसको हम बोलते हैं ऑटोजोम, दोनों में सेम होता है, दोनों में फंक्शन एक जैसे ही करता है। तो दीज आर द सोमेटिक क्रोमोजोम, सॉरी आप ऑटोजोम याद रखो। अल्लोजोम, जो क्रोमोजोम कौन सा सेक्स मतलब मेल प्रोड्यूस होगा कि फीमेल प्रोड्यूस होगा वो डिसीजन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्लोजोम, उसको हम क्या बोलते हैं अल्लोजोम बोलते हैं। नाउ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब नॉर्मल क्रोमोजोम एंड स्पेशल क्रोमोजोम, अभी हमने ए और बी क्रोमोजोम देखा था। तो नॉर्मल क्रोमोजोम आपको पता है ये नॉर्मली होते ही है, उसका फंक्शन आपको जरूरी है, और स्पेशल क्रोमोजोम इस क्रोमोजोम को छोड़ के और अगर कोई क्रोमोजोम तैयार हो रहा है या है ऑलरेडी, उसको हम बोलते हैं स्पेशल क्रोमोजोम। इसमें आपका बी क्रोमोजोम आ सकता है, इसमें आपका लैम्ब्रोस क्रोमोजोम आ सकता है, इसमें आपका पॉलिटिन क्रोमोजोम आ सकता है। तो स्पेशल क्रोमोजोम मैंने आपको बोला था, कभी कभी आपको स्पेशल क्रोमोजोम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो स्पेशल क्रोमोजोम के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है लैम्ब्रोस पे आएगा या फिर पॉलिटिन के ऊपर आ जाएगा। मैं अभी पहले न्यूक्लियोसोम सेलुलर मॉडल पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ओके, ये वाला, और वीडियो को स्टॉप करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट टू बनेगा अभी, और इसको मैं दूसरे एज अ क्रोमोजोम का चैप्टर, उसी चैप्टर का ए और बी मैं अपलोड करूंगा, वहां पे आपको स्पेशल क्रोमोजोम पढ़ाया जाएगा क्योंकि चैप्टर मेरे ख्याल से लंबा हो रहा है, ओके। तो ठीक है, हम इस पोर्शन को भी वहीं पर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम देखा एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम देखा, इतना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट टू वीडियो में क्रोमोजोम के वी विल सी न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड मॉडल या क्रोमोजोम का जो पैकिंग है उसको हम देखेंगे, और दूसरा देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम, और एक फोल्डेड फाइबर मॉडल एक दिया था डुप्रू ने, वो एक देखेंगे। सो तीन मॉडल हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट कमिंग वीडियो।